एक लोग के बारे में तो आपने हर मशीन में देखे होंगे और जानते होंगे, लेकिन इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन तीन लोग सिस्टम दिया गया है, फ्यूचर दिया गया है। और इसमें लॉक की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो इसकी लॉक और सिक्योरिटी काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। तो वीडियो को स्किप ना करें, अगर आपको सारा फ्यूचर के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। पूरी फ्यूचर आज हम इसकी बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं MD नसीम और आप देख रहे हैं MD NASJ चैनल में। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं JCB 140 भी नेक्स्ट मशीन अभी जो चल रही है, ये 2022 सितंबर महीने की मॉडल है। और आज इस वीडियो में इस मशीन की पूरी रिव्यू पूरा फ्यूचर इस मशीन की बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कैट मशीन, वॉल्वो मशीन, सैनी मशीन के बारे में नाम सुने होंगे और मशीन चलाए भी होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मशीन नहीं चलाए होंगे तो आपको हम बता रहे हैं कि ये मशीन में सेम सैनी मशीन और वॉल्वो मशीन और कैट मशीन के टक्कर में इस मशीन को बनाया गया है। 140 मशीन है जो JCB भी कंपनी की है। और इस मशीन में फ्रेंड्स, इस मशीन की फ्यूचर की बात करें तो कमाल की इसकी फ्यूचर दिया गया है, ज़बरदस्त इसमें फ्यूचर के साथ इस मशीन को बनाया गया है। इसमें लॉक की बात करेंगे, सिक्योरिटी फंक्शन लॉक की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे तो कमाल की इसकी सिक्योरिटी दिया गया है। और इसमें फंक्शन लॉक के बारे में बात करेंगे तो फंक्शन लॉक के बारे में, एक लॉक के बारे में तो आपने हर मशीन में देखे होंगे और जानते होंगे, लेकिन इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन तीन लॉक सिस्टम दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसकी लीवर की बात करेंगे तो काफ़ी इसका लीवर सॉफ्ट दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा रिव्यू आज करने वाले हैं आप लोग, और आप लोग को दिखाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या सिस्टम दिया गया है, क्या क्या इसका का फंक्शन दिया गया है। इंजन के बारे में बात करेंगे कि कितना इसका इंजन पावर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केबिन में जाते हैं। इसके केबिन का ही सारा ऑपरेटरी सिस्टम होते हैं और ये हम केबिन में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आप लॉक सिस्टम, तो आप अगर मशीन से जुड़े हुए हो तो आप ये लॉक सिस्टम तो सबको ही जानते हैं लॉक सिस्टम के बारे में, बट इसमें एक लॉक नहीं, दो लॉक नहीं, बल्कि तीन तीन लॉक सिस्टम दिया गया है। फर्स्ट में ये एक आपका लॉक सिस्टम हो गया है, आप देख सकते हैं, पहला ये है। दूसरा फ्रेंड्स, आपका लॉक सिस्टम यहाँ पे आपका एक्सीलेटर के जस्ट बगल में है, ये लॉक सिस्टम हो गया। दूसरा ये लॉक सिस्टम है और ये तीसरा लॉक सिस्टम है जो कि सिर्फ इसमें स्विंग लॉक होते हैं। तो आप इसको डाउन कर दिए और आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, बट आप अगर लीवर इसका टच करेंगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं, तो फंक्शन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको टच, इसको आपको दबाना है। आप देख सकते हैं, इसको दबा दिए तो आप ये देखिए, ये लॉक अनलॉक हो चुका है। अब आप इसका वर्क कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वर्क करना चालू कर दिया। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं ये लॉक सिस्टम की के बारे में। तो ये स्विंग के लिए है, आप इसको दबा दीजिएगा तो ये येलो कलर का आएगा। आज जब येलो कलर का आ जाएगा तो आप देख सकते हैं ये स्विंग का है, आप स्विंग काम नहीं कर रहा। अब फ्रेंड्स, दूसरे में अगर आप बात करें, दूसरी इसमें बात करें जो लीवर की, तो फ्रेंड्स ये लीवर जो आप वॉल्वो कैट सनी मशीन में आप
सनी मशीन को चलाने में जो लीवर को टच करने में जैसा फील आता है, सेम उस तरीके के ये लीवर को बनाया गया है। एकदम सॉफ्ट लीवर है, एक टच करने में इसका फंक्शन काम करने में आपको एकदम ही प्ले आएंगे। इसका लीवर एकदम प्ले आएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें वर्किंग मोड की, आरपीएम जो वर्किंग मोड होते हैं, तो वर्क मोड फ्रेंड्स इसमें तीन मोड दिया गया है, जिसमें से एक इको मोड है, हाई मोड है, हाई प्लस मोड दिया गया है। इसमें तीन मोड दिया गया है, तीन मोड में आप इसको चला सकते हैं, जो कि आप 140 के हिसाब से काफ़ी बेटर और काफ़ी फास्ट मशीन है। अब फ्रेंड्स अब अगर इसकी सीट की बात करें तो इसका सीट ये दिया गया है, जो कि बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल फील आएंगे और आरामदायक रहेंगे, चलाने में उतना कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, कंफर्टेबल है इसके सीट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इसमें फ़ैन वगैरह तो सभी मशीन में आते हैं, ये फ़ैन वगैरह का ही है। अब बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका फ्यूज बॉक्स जो रहते हैं जस्ट सीट के पीछे दिया गया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं ये फ्यूज बॉक्स है, सीट के पीछे फ्यूज बॉक्स रहता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी सिक्योरिटी की तो लाइफ लिंक तो शुरू से ही आते हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है लाइफ लिंक की, इसका मतलब GPS सिस्टम दिया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप दूसरी ये बात हम आपको कन्फर्म बता दे रहे हैं कि आप इसमें लाइफ लिंक दिया गया है, और इसमें जो डीजल का फ्यूल यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं इतना फुल इतना है डीजल, और ये इंजन हीट का दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें और एक डीजल बताता है यहाँ पे, जिसमें पूरा मतलब आपको लिख के देता है कि आपके पास 217 लीटर डीजल टैंक में बचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं 3000 घंटा चल चुके हैं, 3006.6 आवर से चल चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें हम आपको सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि जो भी मशीन में इस तरीके से आपका डीजल फ्यूल बताएगा, उसमें आप गलती से भी डीजल निकालने की कोशिश मत करना डीजल टैंक से, क्योंकि आप डीजल निकालोगे मालिक वो GPS लाइफ लोकेशन में आपको आपके मालिक को साफ इस तरीके से दिखाएंगे कि आपके टैंक में 217 लीटर है। आप 217 लीटर में 17 लीटर डीजल निकाल दिए तो सीधे 200 लीटर उसको बताएगा, अब मशीन चला ही नहीं है तो 17 लीटर गया कहाँ से। तो ये काम कभी मत करना इस मशीन में। और उसके साथ साथ ये दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, आप कंप्यूटर में सैटरडे 19 नवंबर 6:55, ये भी फ्यूचर एक अच्छा दे दिया गया है। अब फ्रेंड्स ये केबिन के अंदर की तो रिव्यू हम कर दिए हैं कि क्या क्या दिया गया है, अब बात करते हैं इसकी इंजन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मशीन की काफ़ी सारी डिटेल्स रहते हैं, बट इसमें दिया गया नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल दिया हुआ रहता है कि कौन सा ईयर से की मॉडल मशीन है, तो वो सब यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो चलो हम बता दे रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं अब मशीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स मशीन के ऊपर जाते ही सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे ये डीजल टैंक दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो कि ये डीजल टैंक फुल टैंक 253 लीटर की आती है। और इसकी माइलेज की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसकी माइलेज काफ़ी कमाल की माइलेज है, इसकी माइलेज 7 लीटर पर आवर से इसकी माइलेज दिया गया है इंजन की माइलेज। अब चलो इंजन, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंजन की। तो चलो इंजन की बानट सबसे पहले खोलते हैं। और फ्रेंड्स ये इंजन जो आप देख रहे हैं ये 4 सिलेंडर पिस्टन की इंजन होते हैं, 4 पिस्टन की इंजन है। फ्रेंड्स अब पावर की बात करें तो इसमें 75 केवी
100 HP का इसमें इंजन पावर दिया गया है जो कि काफ़ी बेटर है। RPM की बात करें तो इसमें RPM 2200 RPM दिया गया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे रे लोग इस मशीन के पूरी रिव्यू दिया गया है। इंटरनेट में सर्च करने पे काफ़ी रिव्यू हमको मिला है। बट फ्रेंड्स इसमें जो RPM बताते हैं 2000 बताते हैं, तो फ्रेंड्स 2000 वो रॉन्ग है। आप यहाँ पे करेक्टली आप डायरेक्ट इंजन में देख सकते हैं 2200 RPM दिया गया है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200 RPM लिखा गया है। तो इसमें 2200 RPM आता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स रही इसका इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, कूलेंट वगैरह, इसकी जो भी जानकारी चाहिए ये वो आप कमेंट में लिखे कि मुझे ये चीज़ की जानकारी चाहिए। अगर छोटा मोटा रहे तो वो आपको कमेंट के द्वारा रिप्लाई मिलेगा। और अगला मेरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसकी सर्विसिंग क्या। तो फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि इसमें इंजन ऑयल कितना लगता है, इसमें केटो फिल्टर चेंज होते हैं, कितने फिल्टर चेंज होते हैं, कितना कूलेंट लगता है, सारी जानकारी उसमें दी जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।